तो हीलिंग का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है। आज ग्रैंड मास्टर रिकी का वेबिनार और ग्रैंड मास्टर रिकी की जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, राइट? सो ऑल ऑफ यू आर वेरी वार्म वेलकम ऑन टू टुडेज वेबिनार एंड द जर्नी ऑफ द ग्रैंड मास्टर रिकी कोर्स। धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और अपना प्रेशियस समय देने के लिए वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम द एकेडमी एंड द फैकल्टीज ऑफ द एकेडमी। एकेडमी के बारे में सबको काफी कुछ हम जिक्र करते आए हैं, एंड आई कैन सी ओनली कपल ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट। आई एम वेरी क्विकली फॉर देम। एकेडमी एक संस्था जिसका निर्माण किया गया लास्ट पिछले एक साल में, और एक साल से थोड़ा समय प्लस हो गया अभी, एंड सबकी एफर्ट से, सारी फैकल्टीज के एफर्ट से द एकेडमी इज रनिंग। एंड द मेन मोटिव, मेन विजन एंड मिशन फॉर द एकेडमी इज टू ग्रो इक्वली एंड बिगर इन टर्म्स ऑफ वैदिक विद्या, वैदिक ज्ञान जो जितना हमें आता है सबको स्प्रेड करें, आप लोग आगे स्प्रेड करें और दुनिया को वैदिक संस्कृति से फिर से एक बार माला माल करें। जितना हम कर सकते हैं, जो हम अपना प्रयास कर सकते हैं वो लगातार करते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी वैदिक शिक्षा प्राप्त हो। घर घर से प्राप्त होती है, घर से कल्चर से प्राप्त होती है, और उन सबको प्राप्त हो ताकि वो लोग अपने जीवन में बेहतर करें और एक नया संसार, नई एक नई स्थापना की ओर आगे बढ़े। प्लस भारत भी एक बार फिर से जगत गुरु कहलाए, भारत की संस्कृति एक बार विश्व के अंदर फिर से प्रसिद्ध हो और जगत गुरु रहे, उसमें हमारा भी एक योगदान, हमारी तरफ से भी एक प्रयास, और आप सबके सहयोग से ये प्रयास लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ सबसे गुजारिश की अपना माइक ऑफ है प्लीज। So, while saying this, it is also important that जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करें, वो सब ज्ञान हम उन लोगों से प्राप्त करें जो लोग इस क्षेत्र में काफी अर्से से काम कर रहे हो, और उसे एक एक्सपीरियंस हो, एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो। इसी माध्यम से आज का वेबिनार जो हम कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर रिकी का, दैट ऑल्सो लीड टू द सेम डायरेक्शन, क्योंकि अकेडमी का विजन और मिशन ही यही है कि जितनी ये पद्धति को आगे लगातार बढ़ाते रहे और इस तरीके से बढ़ाए कि आप लोगों के जहन में घुस जाए और आप लोग अपने जीवन में इसको उतार लें, इसका इस्तेमाल कर सके, प्लस एज ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, ताकि हम लोगों को किसी प्रकार का भी वजन हम पे ना आए, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल्स। तो किसी प्रकार का वजन हम पे नहीं आए, उस वजन को मद्देनजर रखते हुए अकेडमी का प्रयास रहता है कि इतने लेवल प्राप्त किए हैं और खुद तो ग्रैंड मास्टर है ही, प्लस लगातार रेकी की जो मतलब बिफोर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एज ए फैकल्टी, शी वर अर्लियर ऑल्सो फैकल्टी, एंड कोरोना से पहले से वो फैकल्टी ही थी, एंड एक लंबे समय से रेकी के ऊपर प्रयास कर, रेकी के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हैं, रेकी पे काम कर रही हैं, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग है उनकी, जब रेकी पढ़ाती है, रेकी करती हैं, तो लोगों के अंदर इस तरीके से जहन में उतर जाती है कि उनके काम करते करते, रेकी के प्रैक्टिस करते करते उनके काफी हद तक तो अपनी बॉडी के पेन ही रिलीव हो जाते हैं, स्वयं की हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, स्वयं हील हो जाते हैं वो लोग। और ये इंपॉर्टेंट भी है, दूसरे की हीलिंग से पहले हम स्वयं हील हो जाए। और इनकी पावर इतनी है, इनका ऑरा इतना स्ट्रांग है, जब ये डिलीवरी करती है सब्जेक्ट को, जब ये मेडिटेशन करवाती है लोगों, लोग मेरा मतलब अपना, मैंने अपने आपसे क्लासेस अटेंड करी है, वो जब लोग एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, करते हैं मेडिटेशन के दौरान ही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेडिटेशन करते करते उनको ऐसी फीलिंग क्रिएट होती है कि वो लोग अपने आप को हील कर पाते हैं स्वयं। बहुत ही पावर, बहुत ही एक उमदा किस्म की फैकल्टी है, बहुत ही बेहतरीन कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर, स्पेशली रेकी हीलिंग किसके दुनिया से आती है, तो हीलिंग में बहुत सारी मोडालिटीज में अपने कमांड रखती है, बट रेकी एक बहुत प्रिय सब्जेक्ट है उनका। अर्लियर द एकेडमी वर डिलीवरिंग द रेकी इन पार्ट्स, कुछ पार्ट पहले किया, कुछ पार्ट बाद में किया, उनका अपना एक्सपीरियंस ये कहता है सर करना है तो पूरा ग्रैंड मास्टर का तक कर देते हैं, छोटा छोटा करके कोई फायदा नहीं होता, एंड देन शी कम आउट विद द आइडिया की पूरा ग्रैंड मास्टर लेवल का कोर्स ही एक बारी में हम करेंगे, एंड विद हर ओनली परमिशन, विद हर ओनली प्रयास, विद हर ओनली आइडियाज,
पूरा डिजाइन इस पर रीचेंज किया गया और इसको रीचेंज करके ग्रैंड मास्टर का ही कोर्स किया गया, क्योंकि रेकी करना है तो लेस देन ग्रैंड मास्टर इज नथिंग, इट इज नथिंग, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान को प्राप्त करके कुछ फायदा नहीं। ग्रैंड मास्टर करके बाद करने के बाद इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है अपने लिए करने के लिए, स्वयं के लिए, पढ़ाने के लिए, सामने वाले के काम पर। वेरी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर दी रेकी, वेरी गुड ओवर होल्डिंग ओवर दी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड बिल्कुल भी संकोच नहीं करती अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गिव अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू उपासना के पनवर जी ऑन दिस वेबिनार टुडे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू उपासना। उपासना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एकेडमी, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर शेयरिंग द नॉलेज। जितना आपको डेप्थ में ज्ञान है, जितना आप रेकी के बारे में जानते हो, वो सराहनीय है। शब्दों में शायद व्याख्या कर पाना उसका पूर्ण नहीं हो पाएगा, बट यस, यू आर द मास्टर, यू आर द रियल ग्रैंड मास्टर ऑफ द रेकी। थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन एंड द कोर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रॉम हियर प्लीज टेक ऑन दिस सब्जेक्ट। थैंक यू हेलो एवरीवन, मैं उपासना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। और जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज आप सभी अपने चैट बॉक्स में यस लिखें ताकि मुझे समझ आए कि आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल, आप लिख सकते हैं। उपासना जी, आप हम सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो मच वंस अगेन अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए। इस रेकी जर्नी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों के अपने कैमराज स्विच ऑफ है, उनको प्लीज स्विच ऑन कर लीजिए, ताकि ये जो वेबिनार है, ये वेबिनार एक सेमिनार में कन्वर्ट हो जाए। सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। थैंक यू वंस अगेन। हमारे जितनी भी यहाँ पे टीम है, सबने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है नेट कनेक्शन का, लेकिन अगर किसी वजह से मेरा वॉइस आप तक ना पहुंच पाया या किसी वजह से स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो बेटर ऑप्शन है कि आप सभी लोग ऐसी जगह पे बैठे जहां पर आप लोगों का नेट कनेक्शन ना जा पाए, क्योंकि बीच में कई बार होता है नेट कनेक्शन चला जाता है, तो जिसकी वजह से फिर बीच में खराब हो जाता है काम। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर आपको है प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आचार्य राजीव जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, और जो उनकी बेटर हाफ है मिस आचार्य पूनम जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनकी वजह से आज हम इस वेबिनार को कनेक्ट कर सके और आप सब लोग, हम लोग मिलकर एक साथ यहाँ बैठ कर अपनी एनर्जीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि रेकी क्या है, ये सिर्फ एक एनर्जी है, और जब हम सब लोगों की एनर्जी उस लेवल पे होती है तभी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, है ना। तो आप सब लोगों की एनर्जी लेवल अच्छा है तभी आज आप सब लोग इस वेबिनार के अंदर आए हैं। थैंक यू, और पूरी टीम को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ जिनकी मेहनत से हम इस काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि अगर टीम हमें सपोर्ट ना करे तो हम इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो पूरी टीम को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम उपासना है और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर होने के साथ साथ और भी बहुत सारी मोडालिटीज पे मैंने काम किया है। जितनी भी मोडालिटीज के ऊपर मैंने काम किया है तो मैंने एक ही चीज को समझा है कि हर चीज जो है वो एनर्जी है। आप लोगों में भी बचपन से ये पढ़ते आ रहे होंगे, आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि हर चीज हमारा एक ऊर्जा है, सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव
पॉजिटिव एनर्जी, जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं, हम पॉजिटिविटी पॉजिटिव वातावरण में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या हम किसी नेगेटिव एनर्जी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में बैठे होते हैं, तो हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। ऊर्जा, एनर्जी को हम हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा आप जिस दिशा में आप उसको बहाओगे, ऊर्जा उस दिशा में बहती जाएगी। अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से बहाओगे तो वो पॉजिटिव, अगर आप उसको नेगेटिव दिशा में लेके जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से काफी लोगों ने रेकी सीखी भी होगी और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको रेकी के बारे में नहीं भी मालूम होगा। जिन्होंने रेकी सीखी है उनके लिए भी अच्छा है और जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है उनके लिए भी अच्छा है ये वेबिनार। इससे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वेबिनार को लास्ट तक देखें और जो लोग भी लास्ट तक इस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे उन सब के लिए बोनस पॉइंट कुछ ना कुछ हम आज यहाँ पर आपको देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। आप अभी अपने मन में ये विचार लाके देखिए कि अगर आप एक टेंपल में बैठे हैं या आप किसी भी धार्मिक स्थान पर बैठे हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल क्या है। और अगर आप किसी नेगेटिव जगह पर बैठे हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में बैठे हैं और किसी बियर बार में बैठे हैं, कहीं इस तरह के दुकानें हैं जहां पर मांस मच्छी इस तरह की चीजें मिलती हैं, आप देखिए कि आपको कैसी एनर्जी फील होगी। इसको आप खुद अभी यहीं पे बैठे बैठे उसका अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो ये एक एनर्जी है, आप सोचोगे और वो फील होगी। जब हम लगातार पॉजिटिव, हम जब बहुत पॉजिटिव होते हैं, हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, हम बहुत सत्संग में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, अच्छे कर्मास करते हैं, तो हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छा हमारा हमारे ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी एनर्जी को स्ट्रांग करने के लिए वो होता है हमारा अच्छा खाना। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, टाइमली सोते हैं, टाइमली उठते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी नकारात्मक लोग होंगे, जिनके अंदर नेगेटिविटी होगी, वो आपकी पॉजिटिविटी को सक करना शुरू करते हैं। और ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, हमारी एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मेट्रो स्टेशन में जा रहे हैं, आप किसी मेट्रो में बैठे हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि नेगेटिव लोग आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। आपको तो नहीं पता कि वो लोग नेगेटिव है या नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद आप फील करेंगे कि आपकी एनर्जी डाउन होनी शुरू हो गई है, आप अपने आप को डाउन फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी को सक कर रहे होते हैं, आपको भी नहीं पता होता, उनको भी नहीं पता होता, ये ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि कुदरती ऐसी चीजें चलती हैं। जब हम रेकी सीखते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना हम रेकी के माध्यम से सीखते हैं। इसी तरीके से आप किसी संत महात्मा कहीं पर आप जाते हैं, आप देखेंगे कि संत महात्मा लोग आए हैं, आप बैठे हैं, सारे लोग वहां से उठ के संत महात्माओं के पास चले जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, सत्संग करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके आचार विचार उसी प्रकार से होते हैं, तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते, ऑटोमेटिकली एनर्जी उनकी तरफ, हमारी एनर्जी उनकी तरफ आकर्षित होती है, ठीक है। तो ये हमारी एक एनर्जी की बात है। आप जैसे अपने स्कूल में, कॉलेज में, अधिकतर आपने सब जगह पढ़ा होगा कि एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। स्कूल, कॉलेज, आगे कहीं पर भी आपने, जैसे कुछ भी नॉवेल्स हो गए, कुछ भी हो गया, आपने कहीं पर अगर आप इस तरह की किताबें पढ़ते हैं तो आपने हर जगह यही पढ़ा होगा कि एनर्जी नेवर डाइज, वो कभी नहीं मरती है, केवल वो अपनी फॉर्म बदलती रहती है।
हमारे आसपास की चीजें, जो भी हमारे आसपास जो भी चीजें होती है, चाहे वो लैपटॉप हो, नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, हर चीज के अंदर अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो अपनी, जैसे मैंने बोला, अपनी फॉर्म बदलती है। आप अभी बहुत पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव से सामने वाले ने आपकी एनर्जी को सक करा, आप नेगेटिव हो गए। आप अपने घर में बैठे हैं, आप बहुत खुशनुमा माहौल है, अचानक से कोई आपके घर में आता है और आपके घर का माहौल खराब हो गया। कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। आप बहुत अच्छे मूड से अपने घर के अंदर आए और घर में आपको देखा बच्चों की झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा आया, आपके एनर्जी लेवल डाउन हो गया। तो एनर्जी ने अपनी फॉर्म को बदल दिया, लेकिन एनर्जी मरी नहीं, है ना, नेवर डाइज। या तो वो पॉजिटिव होगी या तो वो नेगेटिव होगी। जीवन के हर क्षेत्र में एनर्जी होती है, चाहे वो स्टडी हो, पढ़ाई हो, हमारा प्ले हो, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हो, हमारा पूजा पाठ करने का तरीका हो, पूजा पाठ हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी। आप किसी भी जगह पर खड़े हैं, वहां पर एनर्जी आपके साथ साथ चलती जाएगी। हमें यूनिवर्सल ने कितने प्रकार की, देखिए हमारे दो, मतलब अब जैसे हम बात करेंगे आगे, जैसे अभी तक हमने जो ये ऊर्जा का जो हम बात कर रहे हैं, अब हम उसे अपनी बॉडी में किस तरीके से, तो अभी आप बता सकते हैं कि हमें यूनिवर्स ने कितने प्रकार के शरीर दिए, या किसी को मालूम है, मतलब आप उसमें चैट बॉक्स पे लिखिए कि कितने प्रकार के शरीर हमको यूनिवर्स ने दिए हैं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये आपकी आवाज आ रही है पास्टर जी? अच्छा, देखिए यूनिवर्स ने हमारे को पंचकोश, एम आई राइट, फाइव शरीर? नहीं, यूनिवर्स ने हमारे को दो तरीके के शरीर दिए हैं। एक तो होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वो जो हमारा प्रेजेंट बॉडी है, और जो सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारे को दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के हमारे पास शरीर हमको यूनिवर्स ने दिए हैं। क्रिएटर ने जो हमें बनाया है, आप ये देखिए कि उसने हमारे को, मतलब एक हमें शरीर दिया है, उसके बाद हमारा जो सूक्ष्म, हमें उससे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, मतलब कितने उससे उसने हमें बनाया है कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसको हम बोलते हैं ऑरा, आभा मंडल, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी फील्ड भी हम उसको कहते हैं। अधिकतर आपने देखा कि कोरोना के बाद से लोग ये बात समझ पाए, अधिकतर लोग ये बात समझ पाए कि जब वो अंदर से स्ट्रांग होंगे तभी वो उनका ऑरा स्ट्रांग होगा और वो बीमारियों से बाहर निकल पाएंगे। अगर उनका ऑरा वीक है तो बीमारियां उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगी। ये जो समय था, ये हमें वो समय सिखाने के लिए आया। तो रेकी एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा ऑरा प्रोटेक्ट होगा, तो हमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी। हर फील्ड में हम अपनी, हर फील्ड में हमको सक्सेस मिलेगी। तो ये हमारा, मतलब रेकी एक हमारा ऐसा टूल है जो हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करती है, हमारे एनर्जी लेवल को हाई करती है, हमको पॉजिटिव बनाती है। रेकी हमारे पांच प्रिंसिपल्स पे बनी है। अगर हम उन पांच प्रिंसिपल्स को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं आती। और अगर जो हमारे भाग्य में है, जो हम अपने पीछे से कर्माज में लिखवा के लाए हैं, उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन उसको हम अपनी एनर्जीज के साथ ठीक कर सकते हैं। तो वो तो हमारे को कहीं ना कहीं उस चीज का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता रहेगा, लेकिन जब हमारे कर्माज अच्छे हो जाएंगे तो हम उन चीजों को ठीक कर पाएंगे। रेकी क्या है? रेकी जो मोडालिटी है, इसका जो आविष्कार है, वो डॉक्टर मिकाओ होसे जी ने किया था। रेकी एक जापानी शब्द है
आप सभी को अधिकतर ये बात मालूम होगी, जिसका अर्थ है यूनिवर्सल ऊर्जा, सर्वव्यापक जीवन ऊर्जा, हम इसको हिंदी में बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम एक दूसरा नाम भी दिया है जिसका नाम है स्पर्श चिकित्सा, ठीक है, जिसे हम हाथों के द्वारा की जाती है। यह विद्या जापान से आई जरूर है, लेकिन इस ये विद्या हमारे भारत की है। हमारे भारत में आप सभी को मालूम है कि गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही थी। गुरु ने अपने शिष्य को विद्या दी, फिर शिष्य ने आगे जब वो गुरु बना तो उसने अपने शिष्य को विद्या दी, फिर उसने अपने शिष्य को विद्या, ऐसे ये विद्या चलती रही। लेकिन लिखित रूप में ये विद्या हमारे कहीं भी ग्रंथों में या किसी भी हिस्ट्री में कहीं नहीं दी गई, जिसके कारण देखो आज एक गुरु है, उसने बहुत मेहनत करके इस शिक्षा को आगे दूसरों को दी, फिर दूसरों से तीसरों को मिली, लेकिन कोई उसको संभाल पाए लेकिन कोई उसको नहीं संभाल पाए, जिसके कारण ये विद्या धीरे धीरे लुप्त हो गई और ये हमारे पास लिखित रूप में कहीं नहीं थी, जिसके कारण हमारे भारत से ये विद्या पूरी तरह से लुप्त हो गई। लेकिन डॉक्टर मिकाओ ओसी, जो कि एक टीचर थे, स्पिरिचुअल गुरु भी थे, वो बहुत सारी मोडालिटीज पे काम करते थे, उनके एक स्टूडेंट ने उनसे इस स्पर्श चिकित्सा के बारे में पूछा तो वो उनको नहीं बता पाए आंसर। उन्होंने इसकी खोजबीन करी, जब उनको इसका कोई आंसर नहीं मिला तो उन्होंने अपना जॉब को छोड़ दिया, और जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी तो वो इसकी खोज में बाहर निकल गए। सब जगह वो घूमते रहे, ऑल ओवर, जहां जहां उनकी पहचान थी, सब मठों में गए, अलग अलग देशों में गए, वहां जाकर उन्होंने वहां की भाषाएं सीखी इस विद्या को समझने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसमें असफल रहे। लेकिन उनको इतना जरूर समझ आ गया था कि ये जो विद्या है ये भारत से आई है। उसके बाद वो फिर जापान गए, फिर जापान से दोबारा भारत आए, और फिर भारत में आकर भी उन्होंने यहाँ आके, जब उस टाइम पे संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रचलन था, उन्होंने यहाँ आकर फिर संस्कृत भाषा पर सीखी, और फिर संस्कृत भाषा में जो भी हमारे वेद पुराण जो थे सब उन्होंने सीखे, लेकिन तब भी उनको इस विद्या के बारे में नहीं मालूम चला। और जब वो बिल्कुल हार मान चुके थे, उनको लगा कि अब नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने जाकर एक पहाड़ पर बैठकर तपस्या करी। 21 दिन तक भूखे प्यासे बैठकर उन्होंने इस विद्या को पाने के लिए ईश्वर से तपस्या की। 21 दिन तक भी कोई उनके सामने, मतलब उनको कुछ संकेत नहीं मिला ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और वो पूरी तरीके से हताश हो गए। और 21 दिन तक उन्होंने ना तो वो पूरा, जिसको कहते हैं ना, निर्जला व्रत जिसको कहते हैं, ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया, और बस तप करते रहे। और 21 दिन तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिल्कुल मरने की कंडीशन में आ गए। और जब उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो फिर उन्होंने वो बिल्कुल उठ के वहां से जाने लगे, लेकिन उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो नहीं उठ नहीं पाए, और वहीं नीचे गिर गए और बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ गए। और जब वो बेहोशी की हालत में थे तो जैसे कहते हैं ना, सूक्ष्म शरीर, हल्का हल्का अल्फा स्टेट, जो हमारी बॉडी में अल्फा स्टेट होती है, 3-4 तरह की हमारी बॉडी में स्टेट होती है, तो वो अल्फा स्टेट में आ गए। उनको कोई होश नहीं था, सुध-बुध नहीं थी। तब आसमान से, उनको बस इतना पता था कि आसमान से एक ऊर्जा आई है, और उस ऊर्जा ने उनकी थर्ड आई पर आई, और वो ऊर्जा का प्रकाश इतना तेज था कि वो उसको नहीं सहन नहीं कर पाए, और वो पूरी तरह बेहोश हो गए, और उनको कुछ नहीं पता। और जब उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरीके से अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ उन्होंने अपने आप को अनुभव करा, लेकिन वो इतना घबरा चुके थे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जब वो ऊर्जा ने उनको स्पर्श किया और उनकी थर्ड आई से जब वो पूरे उनके शरीर के अंदर वो ऊर्जा गई, तो वो बेहोश हो गए। और उस बेहोश होने के बाद उनको यही 4-5 घंटे तक वो कहाँ पड़े रहे उनको नहीं मालूम चला। और जब वो उठे तो वो वहां से भागे, और जब वो वहां से भागे तो वो लुढ़क कर नीचे गिर गए पहाड़ से।
और जब वो पहाड़ से नीचे गिर गए तो उनके पैर में चोट लग गई। तो जैसे ही उन्होंने अपने पैर को ऐसे पकड़ा कि ब्लडिंग उनके पैर से ब्लीडिंग होने लग गई, उन्होंने उस ब्लीडिंग को ऐसे अपने पैर को पकड़ा, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उन्होंने देखा कि उनका पैर ऑटो अपने आप से ठीक हो गया। धीरे धीरे उनको नहीं समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। फिर वो और नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत महामारी फैली हुई थी, लोग बहुत बीमार थे। वो लोगों को मिलते और जिस भी लोगों को वो स्पर्श करते वो ठीक हो जाते। फिर बहुत समय धीरे 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 करके वो इन चीजों को समझ पाए कि जितने भी हम रेकी के अंदर हम जिन भी सिंबल्स को हम यूज करते हैं वो सभी सिंबल्स यूनिवर्सल सिंबल्स हैं। यूनिवर्स से डॉक्टर मिकाओ उसी को वो सिंबल्स मिले और डॉक्टर मिकाओ के द्वारा अब वो रेकी के रूप में हम सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए हम डॉक्टर मिकाओ उसी को जितना भी ग्रेटिट्यूड दें, जितना भी उनको धन्यवाद दें, उतना ही कम है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे एनर्जी की, एनर्जी क्या है। एनर्जी दो प्रकार की है, पॉजिटिव रूप में और नेगेटिव रूप में। हमारे शरीर में भी 24 पार्ट होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का स्रोत होते हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है आप देखेंगे कि उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। जब भी आप कभी बहुत उदास हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, आप अपने घर में आए और आपने उस बच्चे को गोद में उठाया, आप देखेंगे कि आप एकदम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा निस्वार्थ है, उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से वो आप जिसकी वजह से उसका इफेक्ट आपके जीवन पे पड़ रहा है, आपके ऊपर पड़ रहा है, और आप अपने सारे जो पूरे दिन की जो आपकी चिंताएं थी सब कुछ आप भूल गए। अब बोलते ना कि बड़े जब मतलब पेरेंट्स हम बन जाते हैं तो हम चाहे कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कुछ हो, बच्चों को देख के यू नो सब कुछ हम भूल जाते हैं, हमें सिर्फ अपने बच्चे ही नजर आते हैं। तो क्योंकि उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, निस्वार्थ होता है, एकदम से स्वच्छ ऑरा होता है, उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। तो जब भी हम इस दुनिया में जब हम आते हैं, हम भी कभी बच्चे थे, जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारा ऑरा पूरी तरीके से स्वस्थ था, हमारा ऑरा बिल्कुल निस्वार्थ था, क्योंकि हमारे सारे जो सेंटर्स थे 24 बॉडी पार्ट जिनको हम हील करते हैं लेवल वन में, वो सारे के सारे मतलब ब्लॉक नहीं थे, वो सारे के सारे एनर्जाइज थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, बड़े होते जाते हैं, लोगों के ऐसे नेगेटिव वातावरण में आते हैं, कोई हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ नकारात्मक विचार आ जाते हैं और धीरे धीरे हमारा ऑरा कमजोर हो जाता है, हमारे जो 24 बॉडी पार्ट्स जो हमारे होते हैं वो वहां पर ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम नेगेटिव हो जाते हैं और हमारा ऑरा वीक होना शुरू हो जाता है और फिर हम धीरे धीरे बीमारियों की तरफ। जीवन में जो भी हमें चाहिए होता है, जीवन में एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है, अच्छे रिश्तों की जरूरत होती है, अच्छे पैसे की जरूरत होती है, और क्या चाहिए होता है, अच्छा शरीर चाहिए होता है। अगर आप लोगों के पास में ये तीनों चीजें हैं तो आपसे बड़ा धनी, आपसे बड़ा अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारा ऑरा कमजोर होने लगता है तो हमारी ये तीनों चीजें इफेक्ट होती हैं। सबसे पहले हम बीमार होने शुरू होते हैं, फिर हम सबसे पहले हम बीमार होने लगते हैं, हमारी सबसे पहले हमारी हेल्थ खराब होती है, फिर हमारे रिश्ते खराब होने शुरू होते हैं और फिर हमारे को धन का लॉस होना शुरू होता है। तो जब हम रेकी सीखते हैं तो हम हमारे 24 बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से एनर्जाइज करना है वो सब चीजें हम उसके अंदर सीखते हैं। उसके बाद हमने अपनी एनर्जीज को बढ़ाना है, अपनी एनर्जीज को बढ़ाना है तो हम हमारे चक्रास पे काम करते हैं। आप लोग ये टाइप करके बता सकते हैं कि हमारे पास कितने चक्रास होते हैं। हमारे सर हमारे मैडम मैं आपको भी एक घंटे तक फोन कर
आप बता सकते हैं हमारी बॉडी में कितने सेवन चक्र हैं? नॉर्मली हम सेवन चक्रास पे ही काम करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में सेवन चक्रास नहीं होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हमारे अंदर 114 चक्र होते हैं, लेकिन हम काम जो करते हैं वो सेवन चक्रास के ऊपर हम काम करते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे किताबों में आपको मिलेगा कि हमारे 8 चक्रास होते हैं, 7 चक्रा हमारा क्राउन चक्रा होता है और 8 चक्रा उसके 1 फिट ऊंचा होता है, लेकिन जो हम काम करते हैं वो सिर्फ हमारे 7 चक्रों पे काम करते हैं। अगर वो 7 चक्र हमारे बैलेंस होते हैं तो बाकी के सारे चक्रास अपने आप ही बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जब हम हमारी हीलिंग करते हैं, जब हम खुद से अपनी हीलिंग करते हैं, तो हमेशा रूट चक्रा से लेकर आगे बढ़ते हैं। रूट चक्रा मतलब जो हमारा सबसे नीचे चक्रा होता है, रूट चक्रा हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर होता है, वहां से हम उसको शुरू करते हैं। और जब हम किसी दूसरे की हीलिंग करते हैं तो हम उसकी हीलिंग क्राउन चक्रा से शुरू करते हैं। तो मैं आपको रूट चक्रा से बताऊंगी। सबसे पहला हमारा रूट चक्रा होता है जिसका रंग हमारा लाल रंग का होता है और जिसको हम हिंदी में मूलाधार चक्र कहते हैं और जिसका स्विच वर्ड है आई एम। वो एक स्विच वर्ड भी है। अगर आप सिर्फ आई एम भी बोलेंगे तो वो भी आपको काफी हद तक उस आपको फायदा करेगा। ये चक्रा हमारी फिजिकल जरूरतें, जो हमारी भौतिक जरूरतें जो हमारी भौतिक जरूरतें हैं उनको पूरा करता है, जैसा रोटी कपड़ा और मकान। जिनका ये चक्र बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना बहुत ज्यादा आ जाती है, जिसके कारण रोटी कपड़ा और मकान के बहुत ज्यादा दिक्कतें उनके जीवन में आती हैं। फाइनेंशियली वो लोग बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये सब मैं अभी आपको सिर्फ शॉर्टकट में बता रही हूँ। जब हम इस कोर्स को करेंगे तो हम इसकी पूरी डीप नॉलेज लेंगे कि कौन सी चक्रा पे कौन सी बीमारी हो सकती है, किस चक्रा से हम जब जाएंगे इस संसार से तो आपको जो नया जीवन मिलेगा वो आपको कौन सा जीवन मिलेगा, हर चीज डिटेल में हम इसकी पूरी स्टडी करेंगे। लेकिन अभी मैं जस्ट आपको सिर्फ समझा रहे हूँ कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये हमारा रूट चक्र था और आगे हमारा आएगा सैक्रल चक्र, जिसको हम हिंदी में सल स्थान चक्र बोलते हैं। इसका जो रंग होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और इसका जो स्विच वर्ड है वो है आई फील। अगर किसी कारणवश से किसी का ये चक्र बंद हो जाता है तो उसको किसी भी चीज के अंदर फीलिंग का कोई एहसास ही नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कोई फीलिंग नहीं होता। अगर उनके घर में कुछ गलत हो जाए वो तब भी उसको फीलिंग नहीं होती, कुछ बुरा अच्छा हो जाए तब भी कोई फीलिंग नहीं होती, उनको कोई खुशी का एहसास नहीं होता, कोई दुख का भी एहसास नहीं। देखो एक लेवल पे अगर जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ जाते हो तो उस वो एक लेवल हमारा होता है जहां पर इंसान इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर इंसान उदास होता है तब उसको वो निरस हो जाता है उसका जीवन, जब उसका जीवन निरस हो जाता है तब उसका सैक्रल चक्र जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सोलर प्लेक्सस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मणिपुर चक्र और जिसका रंग होता है येलो कलर और इसका स्विच वर्ड होता है आई डू। आई डू मतलब ये हमारे शरीर का जो नाभि से 2 इंच ऊपर ये चक्र हमारा होता है और ये जो हमारा चक्र होता है हमारा इच्छा शक्ति का चक्र होता है। अगर हमारा ये चक्र ब्लॉक हो जाता है तो आपका सैक्रल चक्र और रूप चक्र ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इस ही चक्र से हमारे को जीवन जीने की एक उम्मीद होती है, काम करने की उम्मीद होती है। आप सोचिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका काम करने का मन ही नहीं करता तो वो तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा ना। तो ये चक्र हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है। इस चक्र को हमें सबसे ज्यादा इस चक्र पे हमें काम करना चाहिए, हमारी इच्छा शक्तियों को बढ़ाता है।
हम अपनी इच्छा शक्तियों को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, अगर ये चक्र हमारा चार्ज हो, एनर्जाइज हो, तो हम हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हर तरीके से सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन अगर ये चक्र ब्लॉक हो जाए तो हम बिल्कुल, हमारा किसी काम को करने का मन नहीं करेगा, मन ऑटोमेटिकली उदास हो जाएगा। और जब हमारा कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, जब हम कोई काम करेंगे ही नहीं, तो नेचुरल है इनसिक्योरिटी लेवल हमारा बढ़ जाएगा, रोटी कपड़ा मकान तक की नौबत आ जाएगी। चलो रोटी कपड़ा मकान तक तो फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को विरासत के रूप में रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, किसी के बाप दादाओं के पास खूब अच्छा पैसा होता है, वो उनको वहां से उनकी वो जरूरतें पूरी हो जाती हैं। कई बार हम लोग जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, दान पुण्य करते हैं, वहां से भी उनको रोटी मिल जाती है, रोटी कपड़ा मकान जुगी डाल के भी वो रह लेते हैं, ठीक है। लेकिन हर कोई वो जीवन नहीं जीना चाहता, हर कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है, हर कोई आगे जीवन में बढ़ना चाहता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए सोलर प्लेक्सस का चार्ज होना, एनर्जाइज होना बहुत 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 जरूरी है। उसके बाद जो हमारा चक्र आता है वो आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जिसको हम हिंदी में अनाहत भी बोलते हैं, और जिसका रंग होता है हरा, और इसका जो स्विच वर्ड होता है वो होता है आई लव। जिसके जीवन में हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, उसको प्यार की कमी का एहसास होता है, उसको लगता है कि कोई भी उससे प्रेम नहीं करता, जिसके कारण उसके अंदर भी दूसरे लोगों के लिए एक नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, एक उदासीनता आ जाती है जीवन के अंदर, और फिर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। हार्ट चक्र हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, ये दोनों चक्र हमारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होते हैं। वैसे तो पूरे 7 चक्र ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ही एनर्जाइज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र जो कि हम उसको ब्लू कलर का होता है, और इसका जो स्विच वर्ड है वो है आई टॉक। जिसका थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो जाता है, वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाता, वो अपने मन, थ्रॉट चक्र का स्विच वर्ड क्या है? स्विच वर्ड आई टॉक। थैंक यू। रिक्वेस्ट, अगर बीच में किसी को स्पेस हो जाता है ना, आप चैट पे लिख दें, जितने चैट पे क्वेश्चंस आएंगे लास्ट में सारे क्वेश्चंस ले लेंगे और आपके हैंडेज भी ले लेंगे, तो फ्लो मेंटेन रहेगा। तो थैंक यू। आई टॉक, जिसका भी ये विशुद्धित चक्र, जिसको हम हिंदी में विशुद्धित चक्र कहते हैं, इंग्लिश में थ्रॉट चक्र बोलते हैं, ये ब्लॉक हो जाता है तो वो बोलने की उसको प्रॉब्लम होती है, वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाता। बहुत सारे टीचर्स भी मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स मेरे कांटेक्ट में हैं जिनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है, जबकि वो एक टीचर होते हैं और उनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है, जिसके कारण जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो होती है थायराइड, जो आज के टाइम में बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है। तो ये बीमारी हमको थ्रॉट चक्र से आती है। उसके बाद है हमारी थर्ड आई। थर्ड आई ये इसको हम यहाँ पे होती है, इसको हम बोलते हैं अजना हिंदी में। इसका कलर होता है वायलेट, और इसका जो स्विच वर्ड है वो है आई सी, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सूक्ष्म स्तर पर मैं सब कुछ देख सकता हूँ, आई सी। अगर ये चक्र आपका किसी कारणवश ब्लॉक हो जाए, तो ऐसा बोलते हैं ना लोग, इसको अक्ल ही नहीं है, मन बुद्धि हो चुका है, इसके बाद दिमाग की कमी है। तो अगर ये चक्र ब्लॉक हो जाए तो बंदे के दिमाग की कमी हो जाती है, वो मन बुद्धि हो जाता है, मन बुद्धि मतलब तो वो समझ ही नहीं पाता बातों को। उसके बाद हमारा आता है क्राउन चक्र, सहस्त्र चक्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो होता है आई अंडरस्टैंड। उसका जो रंग होता है वो पिंक कलर में होता है, वॉयलेट पिंक मिक्स होता है, प्रॉपर पिंक भी नहीं होता, प्रॉपर वॉयलेट भी नहीं होता, मिक्स में होता है, कुछ वाइट कुछ वॉयलेट कुछ पिंक इस तरीके से, लेकिन हम उसको पिंक ही बोलते हैं, ठीक है।
और उसका जो स्विच वर्ड होता है वो होता है आई अंडरस्टैंड। और जिसका ये क्राउन चक्रा एनर्जाइज हो जाए, जिसका ये क्राउन चक्रा एनर्जाइज हो जाए, तो समझिए कि वो उसका यूनिवर्सल कनेक्शन बन जाता है। जितनी भी यूनिवर्सल एनर्जीज हमारे पास आती हैं, वो हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे शरीर में जाते हैं। और ये चक्र अगर किसी का ब्लॉक हो जाए तो उसका भी सेम है कि उसमें सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है, वो किसी बात को नहीं समझता। कई बार ऐसे लोग जो होते हैं ना मेंटल पागल हो जाते हैं, अधिकतर उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनका ये चक्र ब्लॉक होता है। और कई लोग पागल मेंटल रूप से नहीं होते हैं, लेकिन वो घर में भी पागलों जैसी हरकतें करते हैं, सामान उठा उठा के फेंक देना, बर्तन तोड़ देना, बेलन उठा के फेंक देना, कप तोड़ देना, बहुत घरों में ऐसा होता है, गुस्सा आया उठाया मोबाइल और फेंक दिया। ऐसी सिचुएशन पर ये चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है। बाकी हम इसके बारे में जो बहुत ज्यादा जो डीप स्टडी है वो हम जब इस कोर्स को करेंगे तो हम इस कोर्स के माध्यम से हम उन सब चीजों को जानेंगे, ठीक है। अब मैं आप सब लोगों को एक एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ। जैसा आप सब लोगों ने जाना होगा कि जैसे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर चीज में हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा कब काम करता है? जब हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। और हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कब होता है? जब हम उन चीजों को फील करना शुरू हो जाते हैं, जब हम उन चीजों को महसूस करने लगते हैं। और जब तक हम उन चीजों को फील नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आप जैसा सोचोगे आप वैसे हो जाओगे। तो उसके लिए आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पे करना चाहेंगे। आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़े, ये जो हमारी लाइन होती है ना हाथ, इसको जोड़। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस ताकि फैकल्टी आपके साथ कनेक्ट कर सके और आप भी फैकल्टी से कनेक्ट कर सके। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस जी, प्लीज टू पास इट। देखिए, आप जितना हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे उतना आपको ही अच्छा लगेगा, आपको ही फील होगा। जब तक आपको फीलिंग नहीं आएगी तब तक आपको वेबिनार अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। तो उस चीज को फील करने के लिए अगर आप स्विच ऑन करेंगे अपने कैमरास को तो हम भी आपको देख पाएंगे, हम भी आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, हमारी एनर्जी लेवल भी आपके साथ जुड़ पाएगी। देन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारी लाइन होती है एक हाथों की, उसको जोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों को बंद कर दीजिए। अब देखिए, किसी ना सबके दोनों हाथ बराबर नहीं होंगे, किसी का एक हाथ बड़ा होगा, किसी का एक हाथ बड़ा होगा। अगर किसी का लेफ्ट हैंड बड़ा है तो कोई बात नहीं, किसी का राइट हैंड बड़ा है तो भी कोई बात नहीं, और अगर किसी के दोनों हाथ बराबर है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अगर किसी का लेफ्ट हैंड छोटा है और राइट हैंड बड़ा है तो वो अपने लेफ्ट हैंड को अपनी आंखों के सामने रखे और अपने राइट हैंड से हाथ को ऐसे पकड़े। और अगर किसी का राइट हैंड छोटा है, लेफ्ट हैंड बड़ा है तो लेफ्ट हैंड को पकड़े और राइट हैंड को रखे ऐसे हाथ। और अगर किसी के दोनों हाथ बराबर है तो वो किसी भी हैंड को रख सकता है, ठीक है। रखिए, आई मेरी बात समझ आई? अपने दोनों हाथों को हमने ऐसे रखा, पूरे अच्छे से जोड़ा, जो हमारी यहाँ पे लाइन है वहां से। उसके बाद हमने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ा, फोल्ड करा। फोल्ड करने के बाद हमने देखा कि हमारा हर कौन सा लेफ्ट हैंड की फिंगर हमें बड़ी लग रही है या राइट हैंड की। किसी को अपनी लेफ्ट हैंड बड़ा लग रहा होगा, किसी को अपना राइट हैंड बड़ा लग रहा होगा, और किसी को दोनों हाथ सेम लग रहे होंगे,
अगर दोनों हाथ सेम है तो आप किसी भी हाथ को अपने आगे रखें और अपने एक हाथ से ऐसे पकड़ लें, अगर आपके दोनों हाथ सेम है। और अगर आपको अपना लेफ्ट हैंड छोटा लगता है और राइट हैंड बड़ा लग रहा है, तो जो हैंड आपको छोटा लग रहा है उसको ऐसे रखें और बड़े वाले हाथ से उसको पकड़ लें, ठीक है। और उस अपने हाथ की तरफ देखें, अपनी आंखें बंद कर लें और विजुलाइज करें कि मेरा हाथ बड़ा हो गया है। उसको फील करें, फील करते हुए बोले मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है। महसूस करें कि आपका हाथ बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है। पूरी फीलिंग के साथ उसको फील करें कि मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है। अब अपनी आंखें खोलें और अब अपने दूसरे हाथ को उस हाथ के साथ जोड़ें, उसी डायरेक्शन में ऐसे जोड़ें, होल्ड करें। हाथ बड़ा लगेगा, टाइप यस, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। आपके सबके भाई टेंडिंग तो है, आप उसको अनमिंग करके बात कर सकते हैं। अच्छा चलिए बताइए मुझे, बड़ा लगा हाथ? यस मैम। यही मैं आपको दिखाना चाहती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस मैम, यस मैम, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ऐसे काम करता है, वो हाथ आपको बड़ा लगेगा। इसी तरीके से हम अगर रोज सुबह उठे और बोले कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए। आप बोले कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आप धीरे धीरे पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू हो जाए। देखिए ये सारे प्रोसेस एक दिन में नहीं होते, ये तो चलो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, पर ये सारे प्रोसेस एक दिन के नहीं होते हैं, इनमें थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, पेशेंस बना के रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। और जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको अपने जीवन की सारी बातें बताऊंगी जो असंभव से असंभव चीजों को मैंने संभव किया, सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर, अपनी रेकी के माध्यम से, एंजल कोर्स के माध्यम से, और बहुत सारी जो मेडालिटीज मैंने यहाँ पर सीखी हैं और बहुत सारी जगहों से सीखी हैं, वहां से इन सब मेडालिटीज के साथ मिलकर जोड़कर इन सब को मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। लेकिन जो मेरी जिंदगी की शुरुआत थी वो रेकी से हुई है, और जिसमें रेकी ने मुझे बहुत सहायता करी। उस समय मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे जिस समय मैंने रेकी कोर्स किया, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरे पास कहाँ से पैसे आते, क्या होता, और मैं उसमें आगे बढ़ती चली गई। जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा कुछ नहीं मैंने सोचा था कि मैं कभी इसमें जॉब करूंगी, इसको एज अ प्रोफेशनल लूंगी, लेकिन ईश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे रास्ते दिए, ऐसी ऐसी जगह दी कि मैं यहाँ तक पहुंची। जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। जितने भी जीवन में संघर्ष होती हैं, तकलीफें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे आपको रेकी उसमें आपकी कितनी मदद करती है, हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास आ जाता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा स्टार्ट करेंगे लेवल वन के अंदर, तो लेवल वन के अंदर हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग सीखेंगे, प्लस हम स्क्रीन पे लगा देता हूँ। हाँ आप बोलेंगे तो मैं पूरा कैरेक्टर लगा देता हूँ। हाँ आप लगा दीजिए सर, आप पहले एक्सरसाइज करेंगे, पहले कैरिकुलम रीड आउट करेंगे। हाँ जी सर, क्या बोला आपने? पहले आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं या पहले पूरा कैरिकुलम लेना चाह रहे हैं?
सर एक्सेस करा देते हैं पहले, मैंने कहा पहले आप बता दीजिए वो ज्यादा बेटर होगा। ये पहले पूरा कैरेक्टर मैंने लगा दिया तो यू कैन डू इट विद ये सभी चीजों को हम लेवल वन में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेकी, हिस्ट्री ऑफ रेकी, रेकी प्रिंसिपल, जैसा मैंने आपको बोला कि 5 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे रेकी के, और अगर वो हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाए तो हमारा जीवन अपने आप ही सकारात्मक होता चला जाएगा। कैसे हम हमारे पानी को रेकी के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, अपने खाने को कैसे चार्ज कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और जो कि हम जो मेडिटेशन करेंगे लेवल वन का वो हम सिर्फ 7 days रखेंगे 24 बॉडी पार्ट्स की, क्योंकि हमारे को आगे जो हमारा मेडिटेशन चलेगा 7 chakras के ऊपर वो हमारा ज्यादा हमने उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि वहां पर हम सिंबल्स के साथ मेडिटेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम जो आपको 24 बॉडी पार्ट्स का मेडिटेशन कराएंगे 7 days का, उसके बाद आप उसको पर्सनल लेवल पे अपना करते जाइए। उसके बाद जो मेडिटेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, जितना हम उसकी जर्नी करेंगे ना उसके साथ ये मेडिटेशन कंटिन्यूअस मॉर्निंग में चलता रहेगा। तो जैसे पासन जी ने बोला कि फर्स्ट 7 days का होगा उसके बाद आगे होगा, तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहाँ पास समय समय पे लेवल को चेंज करके मेडिटेशन में आपको ऊपर ले जा सकेंगे और आप साथ साथ ग्रो कर सकेंगे टूवर्ड्स ग्रैंड मास्टर, क्योंकि जर्नी है। तो जर्नी के अंदर पायदान के बाद बदलना जरूरी है, वो जो फैकल्टी है दे नो वेरी वेल हाउ टू डू इट, एंड इट विल इट्स अ प्रोसेस फॉर 3 months मेडिटेशनल प्रोसेस है जो आपको लेवल टू लेवल चेंज करते हुए ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे 21 days जो लिखा है वो बेसिकली कवरिंग द एंटायर सब्जेक्ट, 21 days आपको करना चाहिए, जो 7 दिन के बाद प्रोसेस को चेंज करते चले जाएंगे, बट ये कंटिन्यूस करते चले जाएंगे, आपको प्रैक्टिस होती चले जाएगी साथ। तो दैट्स हाउ, और हर लेवल का मेडिटेशन है 3 महीने तक लगातार मेडिटेशन प्रैक्टिसेस चलती रहेंगी मॉर्निंग में, बट जो मॉर्निंग में नहीं कर पाएंगे वो अपने समय के अनुसार करेंगे, उसके हम उनको अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिल जाएगी ऑडियो वीडियो के माध्यम से, एंड दे कैन डू, बट दे शुड डू इट। थैंक यू पास्टर, यू मे प्लीज कंटिन्यू। उसके बाद जब हमारा लेवल सेकंड स्टार्ट होगा, तो हमने जैसे अभी हमने पावर ऑफ इंटेंशन हमने देखा, हमने अपने हाथ के ऊपर जो भी काम करा ये हमारी पावर ऑफ इंटेंशन ही तो है कि हमने अपने इंटेंशन डाली तो हमें हमारा हाथ बड़ा दिखा। तो उसी तरीके से हम इन चीजों पे काम करेंगे। सबकॉन्शियस हमारे बहुत सारे बिलीव्स होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, उनको बहुत मतलब हमारे पुराने पुरखों से बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे को सिखाई जाती हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम में इस तरीके से आ जाती हैं कि हम बड़े होने तक भी उन चीजों को भूल नहीं पाते। जैसे कि पैसा क्या है, ये तो एक मोह माया है, पैसे जिस घर में ज्यादा आ जाता है उस घर में झगड़े ही होते हैं, ऐसी बहुत सी बातें साधु संत महात्माओं के पास बोलेंगे आपको क्या जरूरत है इतने पैसों की, बस इतना ही बहुत है जितना कि आप रोटी खा ले। अभी मैंने आज ही किसी का स्टेटस पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एक मतलब धन आपका एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन एक दोस्त आपके लिए धन के बराबर है। आप बताइए कभी कोई मुसीबत में दोस्त काम आते हैं, बहुत रेयर कोई होगा दोस्त जो काम आता है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा सब कुछ बस पैसा 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 ही करो, लेकिन मनी इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो उसके लिए हमारे इतने सारे हमारे दिमाग के अंदर इस तरीके के विचार होते हैं, रिश्तों को लेकर होता है। लोग बोलते हैं कि बीवी का क्या है, वो तो और आ जाएगी, माँ तो यही रहती है, ऐसे बड़े बुजुर्गों ने ऐसे विचार बनाए। कितने रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं इन सब बातों को लेकर, बच्चों को लेकर कि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। जरूरी तो नहीं होता ना, सचिन तेंदुलकर को ज्यादा पढ़ा लिखा है फिर भी वो वर्ल्ड फेमस एक हस्ती है। तो ये सारे जो हमारे मिथ हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें हमारी भरी हुई हैं, इन सब को हमें कैसे ठीक करना है, ये सब हम लेवल सेकंड के अंदर सीखेंगे। अपने रिलेशनशिप्स को कैसे ठीक करना है, बैड जैसे मैंने अभी बताया आपको, बैड फाइनेंशियल्स को, फेलियर जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा जो सोलर प्लेक्सिस है, कई बार हम जीवन में इतने फेलियर्स को हम अपने हमारे जीवन में देख लेते हैं जिसकी वजह से हमारा सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक हो जाता है, और उसके ब्लॉक होते ही हमारा सैक्रल चक्र, हमारे रूट चक्र ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे लेवल, और उसके साथ हम सीखेंगे चक्र सिंबल सीखेंगे, प्लस हम हॉन्चा जैसुनन, प्लस हम
सहेक, ये तीन सिंबल्स हम लेवल टू में सीखेंगे और प्रॉपर जो भी हमारा चक्रास के ऊपर जितना भी है वो पूरा अच्छे से हम उसकी स्टडी करेंगे और 21 डेज मेडिटेशन हमारी 7 चक्रा की चलेगी, ठीक है। उसके बाद जब हमारा लेवल 3 पे हम आएंगे, वो सब हमने अपने हिसाब से पॉइंट बना रखा है कि कैसे हमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 को इस टाइम लिमिट में खत्म करना है। और अगर हमारी कोई क्लासेस रह जाती हैं, 1% अगर हमारा 3 मंथ्स में कवर नहीं भी होता तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर उसको कवर अप करें, जो कि हम उसमें आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, जो हमारा 3 मंथ्स का है बस वही होगा, उसके एक्स्ट्रा में हम आप लोगों से उस कोर्स के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे, चाहे हमें आपको 2 क्लासेस एक्स्ट्रा देनी पड़े चाहे हमें 4 क्लासेस एक्स्ट्रा देनी पड़े। जब हम लेवल 3 में आएंगे तो हम साउंड हीलिंग के बारे में जानेंगे कि साउंड हीलिंग कैसे हमारे जीवन पे काम करती है, हमारे चक्रास को किस तरीके से एनर्जाइज करती है और हम किस तरीके से विश बॉक्स बना सकते हैं और उसके क्या क्या साउंड हीलिंग के बेनिफिट्स होते हैं हमारे जीवन में, और स्पेशल पावर्स जैसे कि हम सिंबल सीखेंगे, डाइकोमियो सीखेंगे, मास्टर सिंबल, उसके अलावा और बहुत सारे 8 सिंबल्स उसके अंदर और भी सिखाए जाते हैं वो सब सीखेंगे। साइकिक अटैक को हमने कैसे निकालना है, साइकिक सर्जरी कैसे की जाए, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रेकी जिन्होंने सीखी भी होगी या जो लोग सीखना चाहते हैं उनको मालूम होगा कि साइकिक अटैक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर साइकिक अटैक नहीं सिखाया जाता। क्यों नहीं सिखाया जाता, क्योंकि उन लोगों का ये मिथ होता है कि जो साइकिक अटैक होता है वो कोई भूत प्रेत से चीजों से रिलेटेड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। साइकिक अटैक जो होता है वो आपकी डीप हीलिंग होती है, बहुत डीप हीलिंग। जब हम किसी को कोई मेजर हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई कैंसर जैसी बीमारी आ जाए या कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी आ जाए, उस सिचुएशन पर हम साइकिक अटैक उसकी डीप हीलिंग करते हैं और फिर उसको सर्जरी हीलिंग करते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं उसको ठीक करने के लिए। और कभी कभार हमारा भूत प्रेतों वाली जो भी कोई कंडीशन, देखो 90% ऐसा कुछ नहीं होता, 10% केस में ऐसा होता है, तो कभी ऐसा भी कोई हमारे पास केस आता है तो उसको भी हम साइकिक अटैक से कर सकते हैं ठीक, ठीक है। उसके बाद हम उसमें फैमिली मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन तो हमारी हर क्लास में होता ही है और हर तरह, मतलब इतना तो इसमें होगा भी नहीं जितना हमने इसमें कोर्स में आपको बताया, और उससे बहुत ज्यादा आपको मिलेगा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। क्रिस्टल थेरेपी, जिसमें मतलब आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि देखिए जब भी हम रेकी सीखते हैं तो रेकी हमारे को एक यूनिवर्सल एनर्जी है, हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है और क्रिस्टल्स अपने आप में हाई एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम जब भी आप देखेंगे, कभी भी आप किसी हीलर को देखेंगे, वो बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज करते हैं, और जब हम ग्रिड्स बनाते हैं तो वहाँ हम अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, तो वो सब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको ग्रिड बनानी है, किस तरीके से आपको रिलेशनशिप ग्रिड बनानी है, सती ग्रिड जिसको हम बोलते हैं, कैसे आप अपने जीवन से अनवांटेड पीपल्स को अपने जीवन से कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए भी हम ग्रिड बनाते हैं। लैम्प हीलिंग हम उसमें आपको सिखाते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेकी लेवल 3 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कार्मिक हीलिंग, जो कि हर किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती है। कार्मिक हीलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ इस कोर्स की स्पेशलिटी नहीं है जी, आपके जीवन की स्पेशलिटी है। जो भी हमारे जीवन में आज हमारे प्रेजेंट में जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सब कुछ हमारा कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है। अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं वो भी आपके कार्मिक कनेक्शन है, अगर जीवन में किसी तरह के कोई चैलेंजेस चल रहे हैं वो भी हमारे कार्मिक कनेक्शन है, तो उन सब चीजों को कैसे आप ठीक कर सकते हैं वो आप इस कार्मिक हीलिंग जो कि हम 21 डेज तक रोज मॉर्निंग में 5 o'clock हमारी शुरू हो जाती है, 5 to 6 के बीच में हम वो कार्मिक हीलिंग करेंगे। उसके बाद जब हमारा लेवल 4 आएगा तो लेवल 4 में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने आपको रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, रेकी लेवल 3 के लोगों को तैयार करना है। लेवल 1, 2, 3 को आप कैसे उनको आपको अटूनमेंट देना सिखाएंगे हम उसके अंदर,
और आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आपने उन लोगों को तैयार करना है, उन स्टूडेंट्स को तैयार करना है। 9 पावरफुल सिंबल्स इसके अंदर आपको और मिले जाएंगे और इसके अंदर आपको भी अटूनमेंट दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे वो हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने अपने आपको, जैसे हम अभी जैसे हीलिंग करते हैं, जब हम हमारे 7 चक्र को हील करते हैं तो 40-45 मिनट्स हमको लगते हैं अपने 7 चक्रास को हील करने के लिए। तो जब हम ये सीखते हैं लेवल 4 में जब हम आते हैं तो हम उसके अंदर हेल्थ अटूनमेंट सिखाया जाता है। हेल्थ अटूनमेंट के अंदर आप अपने आप को सिर्फ विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं। हेल्थ अटूनमेंट के माध्यम से आप डिस्टेंस में भी किसी और को हीलिंग दे सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे भी हीलिंग दे सकते हैं या फुल बॉडी पर भी आप 5-10 मिनट में उसको हील कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लेवल 5 करते हैं तो लेवल 5 के अंदर हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने लेवल 4 को ट्रीट सिखाना है। लेवल 4 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से आपको तैयार करना है। उसके अलावा विद्या शक्ति के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से विद्या शक्ति पाठ जो होता है, यहाँ पर हम आपको अटूनमेंट नहीं देंगे लेकिन यहाँ हम आपको सिर्फ उसके एक हीलिंग आपको उसमें बताएंगे। ऐसे मधुरम, मधुरम मतलब कि रिलेशनशिप हीलिंग, और समृद्धि शक्ति पाठ यानी कि मनी हीलिंग, ये सारा आपको सिखाया जाएगा। और मनी रेकी के कुछ सिंबल्स आपको दिए जाएंगे और थोड़ा बहुत आपको एंजल्स के बारे में बताया जाएगा कि एंजल्स किस तरीके से हमारे जीवन पे हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमारा पूरा जो कोर्स है वो ये है। इसके अलावा हमारा जो मनी रेकी का जो अट्यूनमेंट है या हमारा विद्या शक्ति पार्ट में जो अट्यूनमेंट है और जो हमारा रिलेशनशिप अट्यूनमेंट है, उसके लिए हमने अलग से एक एक दिन के कोर्सेज को डिजाइन किया है। वो हम जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे वो उसके बाद हम उस चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा चलिए। अभी जो हमने बात कर रहे थे कि एक गिफ्ट की जो हम बात कर रहे थे, एक बोनस पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे, वो ये है कि मैं चाहती हूं कि आप उस एनर्जी को फील करें। अभी यहीं पे बैठे बैठे उस एनर्जी को फील करें। तो आप लोगों को जो भी अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी पेन हो रहा है, अगर किसी को भी कोई पेन है देन प्लीज टाइप यस। मैम अगर बैक में पेन हो तो लोअर बैक। हाँ, बैक में कौन सी जगह पे है, लोअर पेन है या लोअर बैक? हेलो मैम, लोअर बैक में। हाँ तो ठीक है, लोअर बैक मुझे भी लोअर बैक में पेन है मैम। ठीक है, जहां पर भी आपको पेन है आप अपना सोच लीजिए, 2 मिनट, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सोच लीजिए जहां जहां बॉडी में पेन है। हाँ जी, अब आप लोग अपने बारे में जो भी कुछ मेरे से इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये भी बताइए कि आप लोगों को इतना रिलीफ मिला। शेयर योर एक्सपीरियंसेस। हाँ बताइए सुमित जी। मैम बहुत अच्छा लगा, मैं बट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। आई थिंक आई वेंट ऑफ इनटू अ स्लीप और समथिंग, सो आई एम फीलिंग मच बेटर एंड मच मोर रिलैक्स्ड। आई एम वेरी एक्साइटेड टू जॉइन दिस जर्नी विद यू। थैंक यू, थैंक यू सर। थोड़ी सी गुड इवनिंग मैम। जी बोलिए। हेलो
मुझे हेलो हाँ जी हेलो कौन बोले अच्छा हाँ मैं अर्चना बात कर रही हूँ अर्चना हाँ मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ तो भी आपके पास से जो एनर्जी मिली वो बहुत अच्छी मिली और बहुत रिलैक्स फील कर रहा मुझे ब्रेथलेसनेस था तो थोड़ा कम हो गया थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैं माइसेल्फ संदीप एंड आई रिक्वेस्टेड फॉर दिस बैक पेन इश्यू व्हिच आई एम हैविंग लेकिन हाँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही था तो आई थिंक इफ आई डू दिस थिंग इन अ कंटिन्यूएशन बेसिस देन आई मस्ट गेट रिलैक्स्ड सून आई विल ट्राई टू जॉइन योर क्लासेस बिकॉज आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल सो आई डिडंट गेट दैट मच ऑफ टाइम सो आई नीड टू चेक व्हाट एग्जैक्टली द टाइम आई विल गेट टू अटेंड दिस हमारा एक्चुअली फ्राइडे 7:30 टू 9 एंड सैटरडे 9 to 10:30 टाइमिंग्स हैं हमारे और टाइमिंग तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है नहीं दैट्स फाइन मैम दैट्स फाइन सैटरडे इज ओके फॉर मी बट फ्राइडे आई नीड टू चेक क्योंकि फ्राइडे वर्किंग होता है तो फ्राइडे आपने क्या टाइम बताया मैम 7:30 to 9 एंड हाउ लॉन्ग दिस कोर्स इज 2 मंथ्स और 3 मंथ्स 3 मंथ्स कोर्स सर मुझे आपका वॉइस नहीं आ रहा आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे हाँ आ रही है सर बताइए अभी लगा इसकी कोर्स की जर्नी और डिटेल्स अभी हम स्क्रीन पर लगा देते हैं और बस मैं ये ऐड करना चाहूंगा संदीप जी ने जो अनुभव बताया अपना यस अगर आधे घंटे में या 15-20 मिनट का इंटर अनुभव में संदीप जी कंटिन्यूस करने के बाद इट्स अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन योर पेन्स एंड योर बिलीव्स और ऐसा नहीं है कि ये इट्स लाइक जस्ट फॉर सेइंग मतलब मैंने देखा है उपासना जी के सेशंस में पिछले सेशंस में जिन्होंने किया अर्चना जी ने पहले किया सुनीता जी ने किया पहले दे आर दी वन ऑफ अवर यंगेस्ट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फैमिली youngest member of the family so they can share their number and yes bahut fark padta hai anita ji hai she is also youngest member of the family unhone kiya tha so bada acha bada acha anubhav hota hai bahut relaxing i can say it's a experience it's a feel so i can say that this one. yes janvi ji apna video on kare aap गुड इवनिंग सर सर एक्सट्रीमली सॉरी सर मैं अभी यहाँ पे ड्यूटी पे अभी आ गई हूँ मैं हाँ सर मैं एज अ प्रोफेशनल बाय स्टाफ नर्स हूँ तो मैं मुझे तो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना तो ऐसा कोई इशू नहीं ना कि हर क्लास मुझे अटेंड क्योंकि मैं हम लोग को कैसे होता है कि कोई भी ड्यूटी को कभी भी बुलाया जाता है तो रिकॉर्डिंग में तो मेडिटेशन का भी मिल जाएगा ना सर एक्सट्रीमली देखो सर मेरा चलते चलते मेरा पेन रिलीफ हो गया तो मैं तो मैम की तो बड़ी फैन हो गई हूँ वेरी गुड बहुत अच्छा मैम से एंजल्स भी करवाया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया मुझे तो उसका मुझे फीस भी थोड़ा मालूम पड़ता तो इट विल वेरी अभी वी विल पुट इट जस्ट नाउ वी ओके सर थैंक यू सर लेट्स टेक सम क्वेश्चंस ग्रेटिट्यूड सर ग्रेटिट्यूड मैम थैंक यू नम्रता जी एंड नम्रता जी नमस्कार मैम बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी इसी चीज का ही और मैं तो करने वाली हूँ सेकंड लेवल तक मैंने वैसे किया हुआ है बट आपके साथ मुझे ये जर्नी करनी है बिल्कुल यू आर वेलकम एंड मैं एक्चुअली ऐड भी और यहाँ पे भी करना चाहूंगा काफी सारी चीजें पासा चीज जो कैरिकुलम में दिखाई है ना कई बार क्या होता है इन्हीं कैरिकुलम को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च होते हैं एक्चुअल में रिकी का ग्रैंड मास्टर कोर्स ऐसी चीज है जिसमें 99.9% चीजें कवर हो जाती है उसके बाद आपके पास अपनी जर्नी को अपने आप डिजाइन करने की अनुमति होती है प्लस आप अपने हिसाब से जो भी आप प्रोफेशनली पर्सनली जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं एंड जब हम बात करते हैं अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज की ना तो इसी में से निकाले जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द कोर्सेज इसी में से निकाल के अलग अलग होते हैं और अगर एक बार ये पूरा कर लेते हैं आई मीन यू जस्ट बी रिलैक्स कि आपको जो करना है इसमें से अपना निकाला प्लस ऑडियो वीडियोस आपके पास है इसकी और जब भी आपका लगे कि हाँ ये मिस हो गया टेक आउट योर वीडियोस ओल्ड वीडियोस स्टार्ट मेडिटिंग अगेन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन और फिर भी रह जाए तो रिपीट तो पासवर्ड के बाद हमेशा अवेलेबल है
सो यू आर ऑल वेलकम फॉर द मजेदार जर्नी. कमल जी, कमल वर्मा जी बताएं. हेलो, आप अनम्यूट हुई पहले. कमल जी अनम्यूट कर रहे हैं आपको. इट वाज रियली वेरी गुड. थैंक यू सो मच. आई रियली वांट टू थैंक यू एंड वांट टू नो समथिंग कि मेरे पास मुझे एक रिक्वेस्ट आया. तो एक बच्चा है, अमेरिका में रहता है, उसमें बहुत नेगेटिविटी है. लाइक कुछ भी होता तो कहता है मैं अपने आप को मार लूंगा, सुसाइड कर लूंगा. क्या रेकी से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं? हाँ, आप उसको रेकी से कर सकते हैं. आप उसको क्राउन चक्रा पे और थर्ड आई पे उसको हील करें और हार्ट चक्रा पे उसको वाटर थेरेपी से काम आ सकती है. वाटर थेरेपी भी काम आती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन पे देखो जब आप कर रहे हो और वो बच्चा अभी अपने आप को मतलब तैयार नहीं है ठीक करने के लिए, तो थोड़ा उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा आपको समय लगेगा. लेकिन ये जरूरी नहीं है. अभी हमारी लास्ट क्लास में ही एक लेडी थी जिन्होंने अपनी बेटी की बाय बर्थ, जबकि मेरे को खुद भी स्पेक्स लगे, मैंने कभी अपने ऊपर काम नहीं करा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के 10 दिन में अपने स्पेक्स उतार दिए बाय रेकी. तो ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी भी कैसे जा रही है और वो सामने वाला पर्सन आपकी एनर्जी को कैसे रिसीव कर रहा है. आई डोंट नो दैट पर्सन. मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया कि आज आपका वेबिनार है तो आप प्लीज रिक्वेस्ट करो कि वो प्रेयर करें कि कुछ हो सके. तो मैं क्यों लेट मी सी, आई कैन ट्राई, क्योंकि आप सब तो रिनाउंड हैं, काफी मास्टर्स हैं, इसलिए मैं सोचा कि ओके लेट मी आस्क. आई रियली डोंट नो दैट पर्सन. नहीं, आप उसको ठीक कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन मैंने जैसे बताया कि अगर आपकी डिपेंड ऑन योर एनर्जीज और डिपेंड उस पर्सन की एनर्जी, प्लस वो पर्सन ठीक होना चाहता है, तो उस पर जल्दी आप, क्योंकि वो खुद ठीक होना चाहता है तो एनर्जी उसके लिए अच्छी खाएगी. लेकिन अगर वो खुद से नहीं, उस अभी उस कंडीशन में नहीं है और सिर्फ आप ही उसको हील कर रहे हो, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन रिजल्ट आते हैं. मनोज भारती जी, आपका क्वेश्चन बताएं. नमस्ते मैडम, मैं प्रीति भारती हूँ. हमारे जी जी वो आपके पास आएगा. और चार्जेस क्या होंगे? ये मैं लगा रहा हूँ पुटिंग इट ऑन स्क्रीन की जर्नी आपकी देखिए. और बाकी आपकी अच्छा एनर्जी फील की हूँ. वैसे मैं भी थोड़ा जानती हूँ इसके बारे में, लेकिन कोई वैसा कुछ नहीं है, तो कोशिश पूरा करूंगी, डिजाइन करूंगी. देखिए कि जर्नी 3 महीने की रहेगी, 3 बस जर्नी है ये. 3 महीने में ग्रैंड मास्टर का पूरा कोर्स करेगा चलेगा, और 3 महीने में हम इसको मॉर्निंग में मेडिटेशन भी करेंगे. जो लोग मॉर्निंग मेडिटेशन अटेंड नहीं कर सकते उनको मेडिटेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी और वो लोग अपने समय के अनुसार मेडिटेशन करें, और दे मस्ट डू दैट मेडिटेशन, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, राइट? बट दे हैव टू डू, दे शुड डू टू बी ऑन सेम लेवल विद दी क्लास. फ्राइडे 7:30 PM डेढ़ घंटे की क्लास होती है, सिर्फ फैकल्टी की डेढ़ घंटे की होती है. क्वेश्चन एयर्स के लिए हम आगे भी बढ़ा लेते हैं, बट फैकल्टी बाई 9:45 to 9 तक अपनी डिलीवरी करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन एयर सेशन होंगे, बीच अगर वो 9:15-9:30 तक चलेंगे तो वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन एयर सेशन. एंड सैटरडे को 9:30 से सॉरी सैटरडे की जर्नी 9:00 है, नॉट 9:30. सैटरडे जर्नी 9:00 टू 10:30 एंड क्वेश्चन एयर्स होगा तो देन वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन एयर्स. 3 मंथ्स की जर्नी है, लाइव सेशन होंगे सारे, एंड द क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपके पास आएगी, दैट इज विद यू. सर्टिफिकेशन, स्टडी नोट्स, मेडिटेशन इन द मॉर्निंग एवरी डे, मेडिटेशन सेशंस. 5वें मेडिटेशन होगा डेली मॉर्निंग, करीब 1 घंटे के करीब मेडिटेशन चलता है, 5 से 6. तो अभी गर्मी है, आजकल उठना भी आसान है. हमने तो सर्दियों में भी किया था लास्ट टाइम पे, एंड पीपल लव द मेडिटेशन, बहुत मजा आता है, बड़ी रिलैक्सिंग होता है. तो गर्मी में तो वैसे भी ईजी है, इट्स वेरी कम्फर्टेबल. एंड की जो एडमिशन की फीस आएगी कोर्स की जर्नी की रहेगी. जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट द रिमेन सेम 1579 × 3 477. इफ दे पे टुगेदर फॉर 3 मंथ्स देन अगेन 15% डिस्काउंट जो ऑफर चल रही है उनके लिए, दैट दे ऑल विल कंसीडर इट टू बी ऑफर.
एंड उनका टोटल बाउंड बनेगा 4026 अदरवाइज वी कैन पे मंथली आल्सो जितने भी हमारे न्यू फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स होंगे व्हिच इज जॉइनिंग एनुअली फर्स्ट टाइम द फी इज 2107 एंड दे विल गेट 25% डिस्काउंट एंड व्हिच कम्स टू इफ दे पे टुगेदर इट कम्स टू 4737 दीस आर द डिटेल ऑफ द पेमेंट्स वन कैन मेक यूज ऑफ एनी ऑफ द नंबर पूनम गोयल जी का या रजत गोयल जी का नंबर दे कैन मेक यूज ऑफ इट ओनली रिक्वेस्ट जितने भी आप फ्री स्लिप्स देंगे वो इन्हीं दो नंबर पे आप सबमिट करें ये दो नंबर यहाँ पे हाईलाइटेड है इन्हीं सिर्फ दो नंबर पे दें ताकि हमें क्लियरिटी रहे रिसिप्ट के लिए प्लस स्कीम की एलिजिबिलिटी भी इन्हीं दो नंबर पे है यानी कि किसी और एक्स्ट्रा नंबर पे आप अगर रिसिप्ट सबमिट करते हैं तो एलिजिबिलिटी ब्रेक होने की संभावना रहती है क्योंकि काफी रीजन है उसके सो ओनली एंड ओनली दीज टू नंबर टू बी यूज टू सबमिट दी योर पेमेंट स्लिप्स ओनली फॉर एनी कोर्स दिस इज एप्लीकेबल तो ये डिटेल्स है शॉर्ट में एंड यस और इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है इससे संबंधित तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड जो लोग अच्छा एंड नाउ एडिंग टू दैट जिन लोगों ने मनोज जी मैं आपको अभी अनुरोध करता हूँ जिन लोगों ने लेवल 1-3 पहले किया हुआ था मतलब बिकॉज ऑफ लेवल 4 और 5 नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ सम रीजन उनका रह गया था दे ऑल आर इंटेंटेड टू ज्वाइन दिस उनको 50% पेमेंट ओनली करना होगा दे आर टू मेक ओनली 50% ऑफ दिस पेमेंट लेवल 4 और 5 दे स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लेवल जिन्होंने 1-3 तक लेवल पहले उपासना जी के साथ किया था आई मीन दोज हु डिड विद उपासना जी तो सर मैंने किया हुआ है 1-3 हाँ जो उपासना जी के साथ किया था उन लोगों ने हाँ जी हाँ जी आई मीन फरवरी में ये कोर्स हुआ था और उपासना जी के साथ 1-3 लेवल काफी लोगों ने किया था because some reason of grand master course is trying to 4-5 level nahi kar paye the so they have to pay only 50% of it and rest will be waived off and those who are joining from the beginnings uske liye to maine pura show kar diya so that's it from my side and kisi ka koi question ho kisi ka koi question ho they can ask their questions yes just main puchna hai total kitna payment karna hoga grand master tak ka मुझे करना हो तो 4737 करेंगे ना टोटल 4737 करेंगे आपकी आखिरी मंथ का कोर्स होगा जी 3 months का कोर्स होगा ये वीक में तीन है ना 2 days of week 3 months का कोर्स होगा as I said in the beginning और पासा जी के भी शुरुआत में जैसे बोला था 3 months doesn't mean कि at the end of 3 months shut down it is the journey of grandmaster तीन क्या का 3.5 महीने भी लग जाएंगे ना अभी continue to do that but fees remain same जो हमने आपको दिखाया it doesn't change at all right सर 737 जो है वो तो टोटल आ रहा है लेकिन अगर हमने कट्ठी दी तो हमें वो 15% डिस्काउंट है उसके ऊपर यस ये आपके केस में क्योंकि नवता जी आप यू आर द एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट सो यू फॉर यू 4026 एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट इट इज 4737 यस और जिन्होंने 1-3 किया है उनके लिए 50% है ना यस 50% ऑफ टोटल फीस तो 4737 का 50% यू आर राइट गाइस यू आर राइट 2368.50 आप फर्स्ट टाइम एकेडमी से जुड़ रहे हैं द एकेडमी सेज दैट Those who are doing first time with the academy, they have to pay their fees is 2107, जिसके हम 25% हम discount करें. I am putting it again. I show you the calculation always. You are the new participant for the academy. The new fees is 2107. Please अपना mic off करके अपने जी आपके mic से बहुत voice आ रही है. सर आवाज आ रहा है बहुत. बस भारती जी आपके mic से आवाज आती है. आप एक बार उसको mute रखिएगा. आपको जब question पूछे तब बोलिए. Right. The new participant is 2107 comes to 6321 and that where we give 25% off to them and that comes to 4737. That's for new participant. For existing, see we the academy honor always honor to our existing members. They are our like family members.
So academy का rule है कि existing members को they are being family members, they be honor to them always. So उनका थोड़ा special consideration हमेशा रखा जाता है ध्यान में और वो I mean वो रखा जाएगा और उस that's it fees for the new participant and the existing members. I think this is clear. अभी क्लियर है तो या इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर मैं आवाज के लिए नहीं आ रहा है, मैं आपसे मोबाइल पे बात करूंगी नंबर पे. जी आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ इट और इसमें मोबाइल नंबर भी है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे आप किसी भी मोबाइल नंबर से बात कर सकते हैं. दिस नंबर मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, इनमें से कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं, ये टू नंबर, इसमें से किसी भी नंबर पे आप फोन करके बात कर सकते हैं. These are the payment numbers only. Please do not call on these numbers. Call only on these two numbers. The calling number ये side पे जो note में लिखे हैं ये दो number हैं calling के लिए. इन पे आप call करें ये these numbers. The payment number पे आप call मत करें. Payment number पे call pick नहीं होती है. इन पे pick होगी call. Right? जी. Any other questions from anyone? Sir, I have a question. Jasmine this side. जी Jasmine जी. सर मुझे पूछना था कि मुझे ग्रैंड मास्टर लेवल करना है, मैंने फर्स्ट थ्री कर ली है तो आपने अगर उपासना जी से किया फर्स्ट थ्री बन नहीं 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 सर मैंने तो मैंने बहुत बचपन में स्टार्ट किया था 13 साल में 13 इयर्स पे राइट सो वो अच्छी बात है बट अगर आपने उपासना जी से नहीं किया तो फ्लेक्सिबिलिटी फिर भी उपासना जी ने 1 2 3 किया वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी है अदरवाइज ग्रैंड मास्टर की जर्नी फ्रॉम जीरो टू कंप्लीट फिर से आपको एनरोल करना होगा उसके लिए ओके ओके सर थैंक यू वी एकेडमी का बड़ा सिंपल रूल है एकेडमी ऑनर टू देयर फैमिली मेंबर्स सो वो कंटिन्यूअस रहेगा वो चलता रहेगा क्योंकि हम इसमें बिलीव करते हैं कल्चर में हम फैमिली में कल्चर में बिलीव करते हैं और उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल रिकग्निशन हमेशा देते हैं और देते रहते हैं It doesn't mean कि हमारे लिए बाकी important नहीं है. Yes, everybody is very important, but एक थोड़ा सा additional feel factor create हो जाता है क्योंकि उसका bonding बन जाती है. जी. Anything? Thank you, ma'am. Thank you, Jasmine. Sir, वो course जिस दिन होगा वो वाला slide एक बार दिखाएंगे Saturday. Yes. और सर कितना टाइम तक चलेगा साढ़े सात से नहीं नहीं वो तो ड्यूरेशन है टोटल लेकिन टाइमिंग फ्राइडे साढ़े सात से डेढ़ घंटे का सेशन होगा जिसमें डिलीवरी बाय फैकल्टी करीब सवा घंटा एक करीब चलेगा उसके बाद क्वेश्चन है चलेगा डेढ़ घंटे के ऊपर भी क्वेश्चन है चल सकता है लाइक 7:30 चालू होगा ठीक है डिलीवरी ऑफ फैकल्टी विल बी 8:45 8:50 तक चलेगा उसके बाद क्वेश्चन एयर चलेगा तो 9:30 भी पहुंचेगा तो चलेगा बट फैकल्टी डिलीवरी विल बी बिफोर 9 ठीक है इन ए सिमिलर फैशन सैटरडे का कोर्स 9 बजे चालू होगा यहाँ पे जो 9:30 लिखा उसे करेक्ट करना होगा मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ 9 बजे चालू होगा कोर्स एंड क्लास उसके बाद 10:30 तक फैकल्टी का डिलीवरी रहेगा उसके बाद क्वेश्चन एयर हो गए तो चलता रहेगा But delivery by faculty will close before 10:30. That's right. Right? Any other questions? Any other point? Samata ji ne apna on kiya mic. Bole. Sir, can I speak? जी जी कमल जी बोले सर एक चीज की फ्राइडे को केमिस्ट्री की क्लास होती है ना तो उससे तो इसका कोई उससे कोई उसमें कोई क्लैश नहीं होगा सैटरडे को फ्राइडे को दैट्स द रीजन 9 बजे से पहले फैकल्टी का डिलीवरी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन एयर्स रहेगा उसके लिए जिसको अटेंड करना करे जिसको क्लास स्विच करना है वो स्विच कर बिफोर द स्टार्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास फैकल्टी विल क्लोज द हर क्लास वन थिंग मोर सर लाइक वीडियोस जैसे हम लोग नहीं ऑन कर पाते वास्तु उसमें और उसमें तो वो तो बाद में भी हम देख के कर सकते हैं जैसे रेखी में तो मैम जैसे चार्जिंग दे रही थी तो क्या वो वीडियो जब हम देखेंगे तब हमें वो सेम चार्जिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखो अगर आप वीडियोस ऑलवेज वीडियोस होते हैं जब फैकल्टी सामने करवा रही है तो लाइव एनर्जीज है लाइव को आप डिजिटल से कैसे
म्यूट कर देंगे सबको, वीडियोस ऑन होगा तो अच्छी बात है, वीडियोस ऑन होना ही चाहिए, माइक ऑफ म्यूट कर देंगे। अट्यूनमेंट जैसे हमारा जब अट्यूनमेंट का सेशन होगा ना, तब आप खास तौर से ध्यान रखें कि ना ऑफ लें, क्या मतलब उस दिन टाइम जरूर करें सेशन को, मतलब बिकॉज़ मैम टाइम वो इन अ 7 to 9:30 उस टाइम पे ट्रैफिक पे वापसी पे होम होएंगे, मे बी ट्रैफिक कैसा भी होता है, सो दैट्स द ओनली इशू। अट्यूनमेंट तो एक ही दिन होगा ना, मतलब जैसे लेवल 1 का होगा फिर लेवल 2 का होगा, क्योंकि हम तो नो पहले की कब होएगा ना वो, वो पहले ग्रुप में ड्रॉप कर देंगे मैसेज। ठीक है, थैंक यू सो मच। जानवी जी आपका प्रश्न बोलें। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि मेरा कैसा शिफ्ट ड्यूटी में हूँ तो मुझे एक हफ्ता पहले प्रायर उसका अटेनमेंट के रिगार्डिंग कुछ नोटिस मिलेगी तो इट विल बेटर। हाँ सो दैट आई कैन एडजस्ट माय ड्यूटीज एज पर जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी ना, तो हम उसी दिन लेवल 1 का जो हमारी नेक्स्ट फ्राइडे क्लास है ना सर, नेक्स्ट फ्राइडे से हमारा स्टार्ट होगा ना, ये 24 से है ना हमारा स्टार्ट। जी नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट होगा, तो लेवल 1 का अटेनमेंट हम आपको फ्राइडे को ही देंगे, क्योंकि फिर हम हमारा हम ये जो अटेनमेंट का डिटेल होगा ना लेवल 1 का, वी विल ड्रॉप यू ऑन द मेन ग्रुप, जो आपका मेन ग्रुप होगा उसमें हम ड्रॉप कर देंगे, फ्राइडे होगा या सैटरडे को होगा हम उसमें मैसेज ड्रॉप कर देंगे आपको। ओके सर, थैंक यू सर, आपको कन्वीनियंट रहेगा उससे। ओके सर, एक चीज पूछनी थी फीस के रिगार्डिंग। जी, जैसे मेरा 7000 का मेरा कोर्सेज अभी इस मंथ में हो गए हैं, 8000 फीस जो मुझे देनी है टैरो रीडिंग की देनी है, तो पिछले स्पेशल टैरो जो थे उसकी मेरे फिर 15% डिस्काउंट है उसमें, तो आप एक बार चेक कर, मतलब आपने जैसे बोला उसे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, बट यस जो ऑफर बनती है वो ऑफर आपको एलिजिबल हो वो ऑफर आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप एक बार कोऑर्डिनेटर से डे में एक बार बात कर लीजिए, ठीक है, और फिर भी कोई बात रहती है तो आप मैसेज कर दिया था जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे इसीलिए मैं कल बोल दूंगा दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू द ऑफर्स आर एलिजिबल, मतलब whatever comes offer, so eligibility जो है वो है, it is there. एक message है। अगर कहीं पे किसी का नहीं हो पाता किसी वजह से, they are always free to connect with me. सुमित जी मुस्कुरा रहे हैं। सुमित जी का मैसेज आया है कि वो ईटिंग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोशिश करें कि नॉनवेज खा के ना मतलब क्लास लें। Right. वही पूछना था जी, वो सर सारा टाइम मेरे पे नजर लगा के बैठ रहते हैं, मैं बुर्का पहन के बैठने वाला हूँ सर अगली बारी से। सर आप दिखते ही इतना स्मार्ट हो, आप धीरे-धीरे खिल गए आप सर, आप यंग होते यार, यंग होते जा रहे हो, यंग होते जा रहे हो, ये आपका प्यार है सर। मैम रेकी सीखने से क्या नॉनवेज छोड़ देना पड़ेगा? नॉनवेज छोड़िए मत, लेकिन जब आप सीखें जिस वक्त आप क्लास में हो उस वक्त में ना खाएं नॉनवेज, वो तो ठीक है, लेकिन मैं दूसरी जगह में एक फर्स्ट लेवल की थी, तो वहाँ पे जो 5 स्टेप हम लोगों को बोला गया था, तो उनमें एक शर्त था कि आपको वो जीवाहार त्यागी है, तो इसलिए मैं पूछी। देखिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बोला कि जापान से आया हुआ है, और इंडिया में तो अभी इसकी शुरुआत है, इंडिया के बाहर तो रेकी के ऑलरेडी हॉस्पिटल्स होते हैं वहां, तो ठीक है, और वहां पर जो बेसिकली जो फूड होता है वो नॉनवेज वहां पे ज्यादा चलता है, इंडियन फूड वहां पे कम चलता है, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम अगर एक ऐसे सोचें कि इंडिया जो होती है वो भोग भूमि है, वो सॉरी कर्म भूमि है, इंडिया जो है वो हमारी कर्म भूमि है, तो यहाँ पर आपको बहुत जल्दी वो पाप और जो पुण्य होते हैं ना, जो हम जीव हत्या करते हैं, तो वो जो एक पाप पुण्य का जो वो होता है वो हमें बहुत जल्दी हमारे कार्मिक बंधन बन जाते हैं, तो और जो बाहर विदेश होते हैं वो भोग भूमि है, वहां पर उस चीज का उतना असर नहीं होता, तो इसलिए हम तो सजेस्ट यही करते हैं कि हम तो हर
फील्ड में यही बोलते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल उस लाइफ के अंदर आए हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हों, चाहे आप वास्तु से जुड़े हों, चाहे आप रेकी से जुड़े हों, या जो भी आप यहाँ पर जो भी मोडालिटीज कर रहे हैं, नॉन वेज ड्रिंक स्मोक इन सबको छोड़ दीजिए। और छोड़ना इतना आसान नहीं होता ना, जो लोग ऑलरेडी वो चीजें कर रहे हैं उनके लिए छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़नी शुरू होती है वो ऑटोमेटिकली उनसे छूट जाती है। आसान से तरीका मैं ये बता सकता हूँ कि जितना शाकाहारी भोजन होगा उतनी कनेक्टिविटी विद पॉजिटिव एनर्जी स्पिरिचुअल आप ज्यादा हो पाएंगे। कॉस्मिक जो शाकाहार होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनका जो कार्मिक इफेक्ट होता है दैट्स द लीस्ट ऑन दिस पृथ्वी, जगत पे, अर्थ पे, इस क्रम भूमि के ऊपर, पूरा संसार अपने अंदर क्रम भूमि है, भोग योनि भोग भूमि बोली जाती है उसको एक्चुअली। और इसमें जो वनस्पति का क्रम होता है सबसे हल्का क्रम होता है, तो उससे जब उसके ऊपर हमारा शरीर डिपेंड होता है तो उससे कनेक्टिविटी टू द कॉस्मोस बिकम ईजी एंड फास्ट। That's the simple thing. However, जिसका जो आहार है वो अपने आहार को अपने हिसाब से मेंटेन करे और उसके साथ थोड़ी उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी कहीं थोड़ी सी ज्यादा एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा। मैं इसमें कोई ऐसा नहीं होता, मेरी एक फ्रेंड थी उन्होंने एंजल कोर्स किया था, वो बहुत नॉनवेज खाती थी बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे वो उसके साथ कनेक्ट हुई, और मैं उसको हमेशा मना करती थी लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती थी क्योंकि वो उसका फूड था, उसका फेवरेट फूड था, तो लेकिन धीरे 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 करके ऑटोमेटिकली वो चीज अपने आप ही खत्म हो गई और आज के डेट में वो पूरी शुद्ध शाकाहारी, और शायद उसको एक साल भी नहीं लगा होगा शुद्ध शाकाहारी होने में। तो जैसे जैसे आपका कनेक्शन बढ़ता जाता है आप ऑटोमेटिकली वैसे होते जाते हैं। ओके मैम, वैसे राइट, सो एनीवन आई हैव एनी अदर क्वेश्चंस कैन आस्क प्लीज, एंड अदरवाइज नेक्स्ट फ्राइडे से वी विल स्टार्ट दिस सेशन ऑफ द रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी कोर्स, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स में रहेगा। कुछ और बोलना चाहे, कोई कुछ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहे तो यू आर ऑल वेलकम। आज अरिता जी, सुनीता जी, आपने कुछ बोला नहीं आज। सर आई वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स। जी आप बोले, मैं वेट कर रहा था, आज आपने कुछ बोला नहीं दोनों ने। सर आप ही बोल रहे थे फिर मुझे, हां देयर वाज नो चांस, टाइम नहीं मिला। सर आप तो मांग लेते हो, आप तो बोल के मांग लेते हो चांस आप तो। चलो अनीता यू स्पीक फर्स्ट। या या सर, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 5 मंथ्स जर्नी विद उपासना मैम, एंड आई कैन वाउच, मैं पूरी भरोसा दे सकती हूँ सबको कि हमारा जीवन ना एकदम पलट के हो जाएगा। आई हैव एक्चुअली गॉट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। इतना मजेदार जर्नी था अर्ली मॉर्निंग 5:30 का जो मेडिटेशन था, दैट हैज रियली टर्न्ड अस। बाकी कोर्स में हमने बहुत कुछ सीखा है लेकिन मेडिटेशन हैज चेंज्ड अस कम्प्लीटली। ओवर टू यू सुनीता मैम, थैंक यू वेरी मच। उपासना जी, आई मीन लर्नड अ लॉट, एंजॉयड इट द सेशंस आल्सो, एंड अगेन लाइक अनीता सेड, एंजॉयड द मेडिटेशंस रिलीजियसली, आई डिडंट वांट टू मिस एनी। अगर कोई मिस हो गया गलती से, आई यूज टू फील सो गिल्टी, पता नहीं क्या हो गया आज क्या बहुत गड़बड़ हो गई आज, क्योंकि आज हुआ नहीं, एंड बिकॉज नथिंग लाइक द मेडिटेशन जो वो करवाती है लाइव, उसमें चाहे वो रिकॉर्डिंग दे दें या कुछ भी है, इट इज वर्थ टेकिंग अ लिटिल ट्रबल एंड गेटिंग अप अ लिटिल अर्ली एंड डूइंग इट विद हर, यू नो, उसका एफर्ट ही अलग है। एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स, यू नो, इन एडिशन टू द कोर्स एंड द करिकुलम, she gives you so much of gyan ki ye aise karo, acha isko aise karoge to ye better rahega, you will gain this also, you know, these things which don't come to you in any reiki book or any other reiki course or any other thing, she gives you so much of on the sides gyan which is so valuable and so enriching, you know.
In fact, after that course was over, I've been waiting for Upasanaji to come along and offer something which I can join. Thank you so much. Thank you, Sunita ji. Thank you. And absolutely rightly, very rightly said, Sunita ji, Anita ji both. Jo experience hota na, and experience. I'll try to get it done. Experience sharing ke andar Upasanaji apni jholi khali kar dete. I mean, whatever she learned over a period of time, whatever she did over a period of time, she gave everything, whatever she had. And that's the beauty of her. Yes, journey is going to be very interesting. Bahut maza aayega. Right? So, you are all welcome. Let's start with the Friday. Coming Friday, so let's start. Right, Pastor Ji? Yes. Over to you now. So, Vijay, I'm going to ask you. Ji, Jasmine Ji. सर आई वांटेड टू नो अपने किड को करा सकती हूँ बिकॉज मैंने भी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट करी थी विद रेकी सो स्पेशल लव फॉर रेकी सो आई जस्ट वांटेड टू नो ही इज 11 इयर्स ओल्ड सो कैन ही गेट द अट्यूनमेंट जस्मिन जी कर सकता है वो अट्यूनमेंट अपने साथ उनके करें आप अपने साथ बिठा के करवाएं ताकि आप गाइडेड रहें उसके लिए बोला था कि मैंने तो माइंड मेकअप कर लिया बट आई एम फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड दिस मॉर्निंग व्हिच इज डिसिप्लिन नॉट हैपनिंग वो अंशु जी मेरे को डांट दें कि चली गई है ठीक है उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड भी किया मैं उठता नहीं हूँ इसी बहाने मेरा डिसिप्लिन बन जाएगा लाइफ में तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू पास्टर जी थैंक यू सर थैंक यू मैम मीट ऑन द फ्राइडे थैंक यू सर थैंक यू मैम